प्यारे विद्यार्थियों, तुहानू पता ही है अपने स्कूल दे विच समर कैंप चल रहा है। अज मैं तुहानू स्टोन पेंटिंग बारे दसांगी, आहो कि तुहानू अच्छा लगेगा बेटा। सब तो पहला असी कोई वेस्ट स्टोन जिहड़ी कि सानू साडे आले दुआले आम मिल जांदे हन, उसनू तुसी लओगे बेटा और इसके सरफेस नू बेटा अच्छी तरह साफ करो। साफ करने उपरंत बेटे असी इहदे बेस कोट करांगे। तुसीं अपनी किसी भी पेंटिंग नूं चूज करके उसके अकॉर्डिंग अपना बेस बनाओ। असी इसके विच ब्लू एंड वाइट का कॉम्बीनेशन बेटे करांगे। देखो मैं तुहानूं करके दस रही हूँ बेटे कि एक्रैलिक कलर यूज किए बेटे मैं, तुसीं इहनां नूं यूज कर सकते हो मेरे बच्चे। परेशानी के समय जो कि पूरी दुनिया बेटा कोरोना की महामारी के नाल बहुत ज़्यादा स्ट्रैस हैगी है, तो ये वाला काम मन पुत्र बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा, थोड़ी रूह में बहुत ज़्यादा सुकून देगा। बच्चे तुम अपना कलर इस तरह बच्चे कर सकते हो, ये असी बेस कलर पीछे कर रहे हैं लाइक दिस। तुसी अपनी मर्जी के मुताबिक बेटे किसी भी साइज का पत्थर ले सकते हो, बड़े तो बड़ा, छोटे तो छोटा, इट्स अप टू यू। हुण असीं बेटे इस दे विच कुछ वाइट कलर मिक्स करांगे बच्चे लाइक दिस। एक्रैलिक कलर बच्चे बहुत जल्दी सुक जाते हैं, तुहानू इसनू ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी। लाइक दिस बेटा तुसी अपने काम को कंप्लीट कर सकते। बेस कलर करने तो बाद बेटे असी कुछ देर इस कलर में सुकन लिए समा देंगे ताकि ये बड़ी अच्छी तरह ड्राई हो जाए और साढ़े दोबारा काम करने लिए तैयार हो जाए। उसमें इतने इतने परफेक्ट तैयार है बच्चे। इस तरह लगनगे बेटे जिस तरह किसी पेड़ पर बहुत सारे फ्लावर लगे हुए फुलां दे नाल, ये चीज़ तुहानूं भरी हुई नज़र आएगी। उस तो बाद बच्चे असी अपने ब्रश नूं साफ कर लेंगे। ब्रश नूं साफ करने तो बाद बच्चे येलो कलर या ऑरेंज, आई थिंक ऑरेंज बेस्ट, ऑरेंज कलर जिहड़ा सी थे हल्का या वाइट दे विच बेटे मिक्स करांगे, हल्का बहुत लाइट। नो प्रॉब्लम बेटे, काम कर दिया कई बारी दिक्कत भी आ जाती है पर उसनू तुसी कवर कर सकते हो। काम करते हुए बच्चे कभी भी घबराना नहीं चाहिए और कई बारी पुत्र जिहड़े पत्थर होंदे है उन्हां दा सरफेस ज़्यादा स्मूथ नहीं हुंदा,
ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ ਸਪੈਕ ਸੀਗੇ ਸਪੈਕ ਮੀਨਸ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕੱਟ ਸੀਗੇ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਭ ਕੇ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਦਿਆਂਗੇ ਬੇਟੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਟਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਸਮਾਲ ਬਰੱਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਬਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਬਰੱਸ਼ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਬਰੱਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਕਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ